नमस्कार दोस्तों, रुचि की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं घाठी, जिसे आप लोग सत्तू बोलते हैं और भर के बनाते हैं, लेकिन आज हम उसका पूड़ी बनाएंगे। बहुत एकदम चटपटा झटपट तरीके से, एकदम आसान, बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सत्तू का पूड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया है। कुछ धनिया की पत्तियां लिया है हमने, इसको हमने वॉश कर लिया है। 10 से 20 लहसुन की कलियां लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच अजवाइन लिया है, मिक्सी के जार में हम सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख रहे हैं हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पीस लिया है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। हमने एक बाउल लिया है, इसमें सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक, धनिया, लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, कटी हुई प्याज को बारीक काटना है ताकि पूरी फट ना जाए। लेंगे 2 कप सत्तू, 2 कप हमने सत्तू लिया है। आटा, 1 से 1.5 कप आटा लेंगे, आटा ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। आप सत्तू का पूड़ी या पराठा बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम इसका बना रहे हैं पूड़ी, एकदम अलग रेसिपी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप देख रहे हैं सत्तू का आटा हमारा मिक्स हो चुका है हल्का हल्का। अभी हम इसको फिर एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं भरा हुआ मरचा का अचार। इससे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास अगर नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा आटा एकदम मिक्स हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह गोल बना लेंगे। अब चलते हैं पूड़ी बनाने। इसका हम छोटे छोटे लोइया बना लेंगे। आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से पूड़ी मोटी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। हमने आटे को लेके एकदम छोटा छोटा लोइया बना लेंगे इस तरह। अब इस पर हम आटा लगा लेंगे, इसको हम गोल गोल टिक्की बना लेंगे इस तरह। इसे हम ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे बेलन की सहायता से। आप देख रहे हैं पूड़ी, इसी तरह हम सारे आटे का पूड़ी बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम सारे आटे का लोइए का पूड़ी बना लेंगे। जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह हम पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी हमारी बन चुकी है। अब इधर हम इंडक्शन ऑन करेंगे। इसमें हम कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में तेल डाले हुए हैं। अब हम पूड़ी को तल लेंगे। आप देख रहे हैं दोस्त, हमने पूड़ियाँ बना ली हैं। अब इसको हम कढ़ाई में ऐड करेंगे एक एक करके। इस तरह बना के खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम सेम कचौड़ी का टेस्ट आएगा। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। इसको हम पलट के दोनों साइड सेकते रहेंगे।
ताकि ये एक साइड ज़्यादा रेड ना हो जाए। पूड़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं, अब हम नीचे से एक एक करके और पूड़ियाँ ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं एकदम कचौड़े की तरह पूड़ियाँ हो रही हैं। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप रेड बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और आगे हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहें। इसी तरह गर्मा गर्म चटपटा पूड़ी बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप चाहे तो चटनी के साथ, मीठी चटनी हो या तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और खास है, इसे आप चोखा के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह बना के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।